हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कैटनिस्ट यूट्यूब चैनल। कैटनिस्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेलिंग्स में हम एनवलप्स का उपयोग कब और कैसे कर सकते हैं। एनवलप्स यानी कि कोई भी चीज आप खरीद रहे हो, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, तभी जाके हम एनवलप्स का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं मेलिंग्स टैब में जाके एनवलप्स के ऊपर क्लिक करूंगी तो यहाँ पे एक एनवलप डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें जाके हम एनवलप्स कैसे प्रिपेयर करेंगे देखेंगे। देखिए, इधर पे एनवलप्स में आप देख सकते हो रिटर्न एड्रेस एंड डिलीवरी एड्रेस दिया हुआ है। जहाँ पे आप डिलीवरी एड्रेस, जहाँ पे आप डिलीवर करना चाहते हो अपना प्रोडक्ट, उनका एड्रेस आप इधर पे लगा सकते हो। जैसे कि मैं डिलीवर करना चाहती हूँ एक प्लेस में, तो मैं पहले डोर नंबर ऐड करूंगी। डोर नंबर ऐड करने के बाद एरिया का नाम इधर पे मैं ऐड कर दूंगी। जैसे कि मुझे मलेश्वरम को डिलीवर करना है तो मलेश्वरम 18 क्रॉस डाल के मैं इधर पे क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। रिटर्न एड्रेस यानी कि जहाँ से ये प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है तो उसका एड्रेस मुझे इधर पे लगाना है। तो मैं इधर पे क्या लगाऊंगी, रिटर्न एड्रेस लगाऊंगी। रिटर्न एड्रेस यानी कि कैटनेस से क्या हो रहा है, ये डिलीवर हो रहा है, तो मैं रिटर्न एड्रेस कैटनेस कंप्यूटर सेंटर का लगा रही हूँ, जहाँ से ये लेटर या फिर प्रोडक्ट कोई भी चीज़ आप एनवलप्स बना के सेंड कर रहे हो, भेज सकते हो। तो मैं इधर पे कैटनेस कंप्यूटर सेंटर लगा रही हूँ। उसके बाद अगर आप उसको डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहते हो डायरेक्टली, आप इसको क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हो। ऐड टू डॉक्यूमेंट हम जब भी करेंगे, अगर आप न्यूली कोई भी एनवलप्स ओपन करोगे तो वही एड्रेस आपको इधर पे दिखाएगा। सिर्फ आपको इधर पे आगे क्या करना है, यस देना है। देख सकते हो आप इधर पे मेरा एनवलप इधर पे बन के रेडी हो गया है। इधर पे दिखा रहा है रिटर्न एड्रेस और इधर पे दिखा रहा है डिलीवरी एड्रेस, कहाँ पे ये डिलीवर हुआ है। अगर आप उसको एडिट करना चाहते हो तो फिर से एनवलप्स में जाके आप इसको क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। अगर आप उसको प्रिंट लेने से पहले ऑप्शन साइज सेलेक्ट करना चाहते हो तो उस एनवलप का आप इधर पे साइज ले सकते हो। कौन सा भी आपको साइज चाहिए वो साइज आप इधर पे ले सकते हो। इधर पे बहुत सारे साइजेस है, आपको जो भी साइज चाहिए वो साइज आप इधर पे ले सकते हो। अगर आप अपना फॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो डायरेक्टली इधर पे आके आप अपना फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। जो भी अगर आपको फॉन्ट इधर पे लेना है वो फॉन्ट आप इधर पे ले सकते हो। अगर साइज थोड़ा इंक्रीज करना चाहते हो तो साइज भी आके आप इधर पे क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपको अंडरलाइन लगाना चाहते हो तो आप इधर पे अंडरलाइन भी लगा सकते हो। कलर चेंज करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप इधर पे कलर भी चेंज कर सकते हो। ओके देने पे आप इधर पे देख सकते हो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, इधर पे आ जाएगा। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, एनवलप्स बना सकते हो। और आप प्रिंट लेने के लिए क्या कर सकते हो, ऑप्शन में जाके उसका साइज सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी आपको साइज चाहिए वो साइज सेलेक्ट करके ओके दे सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इधर पे प्रिंट लगा सकते हो। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, एनवलप्स बनाएंगे। अगर आप उसका साइज चेंज करना चाहते हो, उसको फेसअप करना चाहते हो तो फेसअप कर सकते हो। फेस डाउन करना चाहते हो तो आप अपने एनवलप को फेस डाउन करके भी बता सकते हो, जैसे कि ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऐसे करके हम क्या करेंगे, एनवलप्स यूज करेंगे। देखिए अभी भी एक और एक बार मैं आपको बताऊंगी कैसे उसको फेसअप और फेस डाउन करेंगे। डायरेक्टली सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, उसको फेसअप फेस डाउन कर देंगे। फेस डाउन में आप देख सकते हो आपको किस तरीके से चाहिए, उस तरीके से आप इधर पे सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करके आप ओके दोगे तो डायरेक्टली इधर पे आप देख सकते हो वो फेस आपको एनवलप में ऐसा ही दिखाएगा जब आप प्रिंट लोगे। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, एनवलप्स बना सकते हैं। अपकमिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे लेबल्स क्रिएट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपकमिंग वीडियो में मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बताती रहूंगी। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, बाय बाय।